यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र 4 दिनों का चला। विपक्ष ने खूब हंगामा किया इस दौरान, लेकिन आखिरी दिन यानी कि चौथे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ का दिन था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर के सामने विपक्षी खेमे में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं मुख्यमंत्री ने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाने वालों को कहा कि जो गलती करेगा वो भुगतेगा। मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, ना ही मैं प्रतिष्ठा के लिए आया हूँ, बल्कि मैं व्यवस्था बदलने आया हूँ। सीएम योगी ने कहा कि अगर मुझे प्रतिष्ठा की चाहत होती तो मठ में इससे कहीं ज्यादा प्रतिष्ठा मिल जाती। सीएम योगी ने जब ये बात कही तो सभी एकटक उन्हें सुन रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये संदेश किसके लिए था, इसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है और सीएम के इसी बयान को लेकर हर तरफ चर्चा है। 60% से अधिक नियुक्तियां हर एक स्तर पर हमने किए हैं और ये सुनिश्चित किया है एक प्रदेश के किसी नौजवान के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। धोखा कोई करेगा उसकी नौकरी को उसी दिन हम लोग लेने का काम करते हैं और जेल के अंदर पूरी निर्ममता के साथ उसको ठूंसने में भी कोई कोताही नहीं बरतते। आपको बुलडोजर से डर लगता है लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पर इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी। फिर वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी बात कही। सीएम योगी ने पंचतंत्र की एक कथा सुनाई, एक किसान और बकरी वाली कहानी सुनाई और बताया कि कैसे 4 ठग एक किसान को बारी बारी से कहते हैं कि उसने बकरी नहीं बल्कि कुत्ता खरीदा है और आखिर में किसान भोला किसान मान जाता है और वो अपनी बकरी को फेंक कर भाग जाता है, बस ठग यही चाहते थे। इस कहानी को सुनाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने भी कुछ ऐसा ही काम किया है। सपा ने लोगों को बरगलाया है लेकिन कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। 2027 में सपा सफाचट हो जाएगी, इस तरह का दावा सीएम योगी ने सदन में किया।